हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब सेफ होंगे। सो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि साउथ कोरिया के 3 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जो काफ़ी हद तक अच्छे भी हैं, बट उसका अगर दूसरा साइड देखा जाए तो वो काफ़ी हद तक चौंकाने वाला है, यानी कि सही नहीं है जो मुझे लगता है। सो क्या है वो 3 चीज़ें, आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगी अगर आप बोलेंगे तो। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज कि एज यू ऑलरेडी नो दैट कि साउथ कोरिया बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कंट्री है, बट अगर दूसरी साइड देखा जाए तो उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी जो लाइफ हो वो साउथ कोरिया में रहे, या तो मैं लकी होती कि मैं वहाँ पर पैदा हुई होती, या फिर मैं इतनी लकी हो जाऊँ कि मेरे पास इतना पैसा आ जाए मैं अफोर्ड कर सकूँ कि मैं वहाँ पर रह सकूँ एंड अपने फेवरेट ओप्पा के बीच में रहूँ एंड सारी चीज़ें इंजॉय करूँ। सो देखो, ये सारी चीज़ें देखने में काफ़ी अच्छी लगती हैं एंड क्यों नहीं होंगी, बट उसका अदर साइड देखा जाए, यानी कि अगर आप साउथ कोरिया में जाते हैं या किसी कोरियन से बात करेंगे, मेरा जो पर्सनली ओपिनियन है इस पर या मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उस चीज़ पर, कि जो साउथ कोरियन होते हैं वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी फेस करते हैं। उनका ये कहना होता है कि साउथ कोरिया अगर खूबसूरत है तो उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर महंगाई है, एंड उस चीज़ के लिए जो जैसे ही बच्चे या टीन एज में होते हैं वो इतना सोचने लगते हैं कि इतनी महंगाई में मैं कैसे जल्दी से कमाऊं या अपना घर खरीदूं या फिर सरवाइव कर सकूं। तो महंगाई भी एक है वहाँ पर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा चीज़ें एक्सपेंसिव हैं एंड डॉलर के हिसाब से ऑब्वियसली बात ही चीज़ें चलती हैं। वैसे तो कोरियन वॉन होता है बट वहाँ पर डॉलर के हिसाब से चीज़ें दी जाती हैं, तो इस हिसाब से वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जो एक आम इंसान के लिए अफोर्ड कर पाना, वहाँ पर जा पाना, सेटल हो पाना तो काइंड ऑफ इम्पॉसिबल ही लगता है, बट अगर आप लकी हैं तो डेफिनेटली आप वहाँ पर जा सकते हैं, सेटल हो सकते हैं या फिर मैरिज कर सकते हैं या फिर कुछ और भी। बट हाँ, ये सच है कि इसका एक डाउन साइड भी है, यानी कि महंगाई बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। ओके, एनीवे, नेक्स्ट वन इज़ फूड। एंड आप सोचेंगे कि वाओ, फूड तो वहाँ का काफ़ी अच्छा है, देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सो टेस्ट करने में भी काफ़ी अच्छा होगा। सो मैं आपको यहाँ एक चीज़ और बता दूँ जो फैक्ट है, यानी कि जो दूसरा साइड है वो काफ़ी चौंकाने वाला है, यानी कि कोरियंस जो होते हैं वो यूजली वो सारी चीज़ें भी खाते हैं जो आप सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। एज ए इंडियन तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये चीज़ें ट्राई करना चाहेगा। फर्स्ट वन इज़ बीफ, यानी कि ऐसे ही चीज़ें, मतलब नॉनवेज में भी ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे गाय का मांस हो गया, या फिर ऐसी ऐसी वियर्ड सी चीज़ें होती हैं जो वो खाते हैं एंड ईजिली उसे खाते हैं। सो अगर आप किसी अनदर कंट्री से बिलोंग करते हैं, स्पेशली इंडिया से बिलोंग करते हैं, एंड अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तब तो आपके लिए ठीक ठाक है, फिर भी आप चूज़ी होंगे कि मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, हलाल क्या है या वगैरह वगैरह। लेकिन उसके अलावा अगर आप वेजिटेरियन हैं तब तो आपकी वाट लग जाएगी वहाँ पर जाकर क्योंकि आपके लिए प्रॉब्लम फेस करेंगे डेफिनेटली फूड को लेकर। ओके, नेक्स्ट वन इज़ कि कोरियंस बहुत ही ज़्यादा पोलाइट होते हैं एंड फॉरनर्स को दिल से एक्सेप्ट करते हैं अपनी कंट्री में, बट इसका एक डाउन साइड भी है, यानी कि एक निगेटिव साइड ये भी है कि अगर कोई पर्सन इंडिया या एशियन कंट्री से है एंड उसी के बगल में अगर कोई अमेरिकन फॉरेन कंट्री से, फ्रांस से है, जर्मन से है, तो डेफिनेटली कोरियंस उसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जो काइंड ऑफ वियर्ड भी लगता है। एंड बहुत सारे लोग अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं कि मुझे कहीं ना कहीं रेसिज्म भी फेस करना पड़ा इस चीज़ के लिए कि मैं एक एशियन कंट्री से बिलोंग करता हूँ एंड सामने वाला जो मेरे साथ था वो एक फॉरेन कंट्री से था, लाइक अमेरिका से था, एलए से था, समथिंग लाइक दैट। सो कोरियंस उनको ज़्यादा वैल्यू देते हैं। सो इसके पीछे देखो एक और लॉजिक है, क्योंकि कोरियंस को हमेशा लगता है कि जो वाइट स्किन वाले होते हैं वो काफ़ी लाइक रिच होते हैं एंड डेफिनेटली उनका जो मनी पावर है वो काफ़ी ज़्यादा लाइक हाई है। सो वो अगर हमारे कंट्री में आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदेंगे जिससे उनका इकोनॉमी बूस्ट होगा और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट सबके साथ ऐसा नहीं है, बस कुछ लोगों के साथ कुछ ऐसी घटना हुई है जिसके वजह से उनको ये चीज़ कहना पड़ा कि वो फॉरनर को लेकर काफ़ी ज़्यादा पोलाइट साउंड करते हैं, लाइक अमेरिकन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वहीं पर किसी और को उनको उतना ज़्यादा वो तवज्जो नहीं देते। बट मेरा पर्सनली ये मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एक दो बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा किसी का, बट आप तो जानते हैं कि निगेटिव चीज़ें कितनी ज़्यादा वायरल होती हैं, बट सभी लोग ऐसा हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो काफ़ी पोलाइट हैं एंड चाहे जिस भी कंट्री से कोई भी आता है तो वो काफ़ी हद तक उन्हें एक्सेप्ट करते हैं एंड उनको पसंद करते हैं। बट हर जगह पर अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें तो होती हैं, आपको तो पता ही है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। ये 3 चीज़ें थी जो मुझे लगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको डेफिनेटली जाननी चाहिए अगर आप साउथ कोरिया को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या फ्यूचर में वहाँ पर जाना चाहते हैं। सो कैसा लगा वीडियो डेफिनेटली मुझे बताना एंड मैंने इंस्टाग्राम पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लेना। आप अपना ख्याल रखना, बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।